फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर हम बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, इट इज़ एन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए प्रोसेसेस है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हमारे पास प्रोसेस है P1 से PN और हमारे पास कोई एक रिसोर्स है जो कि शेयर्ड मोड में है। शेयर्ड रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, शेयर्ड मोड में है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है कि अगर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस को, तो किसको ये रिसोर्स मिलेगा, किस प्रोसेस को मिलेगा और कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा और कौन बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्सेस, दैट प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्सेस। ये शेयर्ड रिसोर्स है, अब कौन एक्सेस करेगा इस पर्टिकुलर पूरे सेट में, तो दैट is organized by this particular program object that is known as the mutual exclusion. अब थोड़ा सा इसको और अगर हम डिटेल आउट करें, तो हमने लिखा है this concept is used in the concurrent programming with a critical section. अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए n number of processes है और किसी एक particular process को वो shared resource available हुआ, तो वो क्या करेगा, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन आ कोड ऑफ सेगमेंट जिसके अंदर वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो वही हमने लिखा है कि विद अ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, अ पीस ऑफ कोड इन विच प्रोसेस एक्सेस्ड शेयर्ड रिसोर्स, जिसके अंदर वो प्रोसेस एक्सेस करता है वो शेयर्ड रिसोर्स को, जो कि ये शेयर्ड रिसोर्स हमने आपको बताया विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस में। तो ये हमारा एक ब्रीफिंग है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की, रिक्वायरमेंट क्यों है, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें क्यों पड़ा। वी आर हैविंग पर्टिकुलरली 4 पॉइंट्स जो हमें बताता है कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। सबसे पहला है फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, और नेक्स्ट की भी बात साथ में कर लेते हैं, फ्रीडम फ्रॉम स्टारवेशन। अगर हम डेडलॉक और स्टारवेशन की बात करें, तो देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। अगर हम डेडलॉक की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा किसी भी रिसोर्स के लिए, एक प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा किसी भी एक रिसोर्स के लिए। और अगर हम स्टारवेशन की बात करें, तो हम ये कह रहे हैं कि स्टारवेशन क्या है, कोई भी प्रोसेस फाइनाइट टाइम के लिए वेट करे, तो डेडलॉक मीन्स इनफाइनाइट और स्टारवेशन मीन्स फाइनाइट टाइम, तो वो फाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा। तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें, तो सबसे पहला क्या है, फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, कोई भी डेडलॉक नहीं होगा। दूसरा क्या है, फ्रीडम फ्रॉम स्टारवेशन, कोई भी स्टारवेशन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि वो इनफाइनाइट टाइम तक भी वेट नहीं करेगा और कोई फाइनाइट टाइम तक भी वेट नहीं करेगा, यानी कि डेडलॉक और स्टारवेशन रेस्पेक्टिवली। थर्ड जो है हमारा है, थर्ड है हमारा फेयरनेस। फेयरनेस क्या कहता है कि वी हैव ऑल द प्रोसेस गेटिंग द फेयर चांस टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन अभी मैंने बताया, कोई भी शेयर्ड रिसोर्स को लेके अपने कोड ऑफ सेगमेंट में वो पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि ईच एंड एवरी प्रोसेस गेटिंग द फेयर चांस टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। लास्ट जो है, लास्ट है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस की हम बात करें कि इफ सिस्टम हैविंग द फेलियर, तो वो सेल्फ उसको रिकवर कर पाए और आगे चल पाए, ऐसा नहीं हो कि कोई भी फेलियर हो और जो हमारा सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे, तो दैट इज ऑल अबाउट द फॉल्ट टॉलरेंस, कि कोई भी फॉल्ट आए तो उसको टॉलरेट वो कर पाए विदाउट एनी डेडलॉक, स्टारवेशन और विदाउट एनी मिसहैपन, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे, तो दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस।
अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इस पर्टिकुलर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो हमारे सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास दो टाइप के टोकन्स, दो टाइप के एल्गोरिदम्स हैं। पहला है नोड टोकन और दूसरा है हमारे पास टोकन। आगे वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसमें टोकन की जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं वो हमने कवर की हुई हैं, और नॉन टोकन के जितनी एल्गोरिदम्स हैं हमने वो भी सारी कवर की हुई हैं। डिटेल में हमने कवर किया है इंडिविजुअली जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन टोकन की और टोकन की, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। अगर नॉन टोकन की बात करें तो नॉन टोकन हमारा क्या है, नॉन टोकन डिपेंड्स ऑन द टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प आपको याद होगा हमने वेक्टर क्लॉक और लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प कैलकुलेट किया है। तो अगर हम नॉन टोकन की बात कर रहे हैं तो नॉन टोकन इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टैम्प, द साइट हैविंग द लोअर टाइम स्टैम्प गेटिंग द हायर प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने का प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होती है जिसका टाइम स्टैम्प कम होता है, जो कि सारी जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं जो नॉन टोकन है उसमें सारे के में यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अगर हम बात कर लेते हैं टोकन की, तो टोकन में क्या है, अ यूनिक टोकन इज शेयर्ड अमंग ईच एंड एवरी साइट। कोई भी जो रिक्वेस्टिंग सेट है उसमें एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो एक पर्टिकुलर टोकन शेयर्ड होगा, जिसके पास भी वो टोकन होगा वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और रेस्ट वेट करेंगे। तो नॉन टोकन और टोकन का जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं डिटेल किया हुआ है हमने आगे वाले लेक्चर्स में, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी बताया है प्रॉपरली, और सारे जितने भी स्टेप्स हैं उसको हमने कवर किया है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ जो कि नॉन टोकन और टोकन दोनों को फॉलो करेगा। वो बेसिक आइडिया क्या है, वो बेसिक आइडिया ये है कि इन दिस एल्गोरिदम द साइट हैविंग द थ्री स्टेट्स, तीन पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। पहला है रिक्वेस्टिंग द क्रिटिकल सेक्शन, दूसरा है एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, तीसरा है रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। CS इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल सेक्शन, रिक्वेस्ट करना क्रिटिकल सेक्शन के लिए या तो टोकन के हिसाब से, सॉरी नॉन टोकन के हिसाब से या टोकन के हिसाब से, फिर एग्जीक्यूट करना जिसको भी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प का, इसको बताया था मैंने कि टाइम स्टैम्प पे बेस्ड है, और इसको बताया था यूनिक टोकन। तो जिसको भी टोकन मिल जाएगा या जिसका भी टाइम स्टैम्प लोअर होगा वो एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, और लास्ट है जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो रिलीज करेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन को, जिससे कि और जितने भी प्रोसेसेस हैं या जितने भी साइट्स हैं वो उसको फेयर चांस मिल सके आगे प्रोसेस को या आगे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का, रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने का। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन टोकन एल्गोरिदम और विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टोकन एल्गोरिदम, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रीफ किया है, आप उसको देख सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर जनरल आइडिया ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम्स, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।